पीतमपुर में एक बार फिर से अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां थाने से महज कुछ ही दूरी पर हुई लूट की इस वारदात ने शहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनी ट्रेडिंग किराना व्यवसायी के लेखापाल के साथ थाने के महज कुछ ही दूरी पर बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। रोज की तरह इस बार भी लेखपाल शेखर किराना बिक्री की रकम को निजी बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने बंद पड़ी अल्पाइन कंपनी के समीप सर्विस रोड पर सामने बाइक लगाकर लेखापाल शेखर और अन्य साथी से रुपयों से भरा बैग छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लेखापाल और साथी द्वारा बैग नहीं देने पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायर करते हुए शेखर पर गोली चला दी और बदमाशों द्वारा रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सेक्टर 1 थाने में एक सेक्टर नामक लड़का सोनी ट्रेडर्स कंपनी पे जो काम करता है, अपने साथी के साथ में पैसा जमा कराने के लिए जा रहा था। उसमें अभी तक जो ज्ञान में आया है, तीन लड़कों के द्वारा ओवरटेक करके फायर किया है और 3,35,000 उसके पास बैग था वो ले के भाग गया। उसके कॉलर बोन के साइड में गोली लगी थी, बाकी अभी उससे प्रॉपर बात भी कर रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, किंतु प्रारंभिक इलाज किया जा रहा है। पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और पुलिस की सारी टीमें CSP थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच सभी उस प्रकरण को निकालने के लिए तत्परता से लग गए। सर क्या CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं आसपास के? पूरे सारे इन्वेस्टिगेशन के जितने टूल्स होते हैं, चाहे CCTV हो चाहे बदमाशों की धरपकड़, सारी कार्रवाई बहुत सख्ती के साथ। थाने पे हम रिपोर्ट ये करने आए थे कि हमारा जो कैशियर अकाउंटेंट बैंक में पैसे जमा करना जा रहा था SBI, तो उसके साथ छीना झपटी और लूट की घटना हुई और करीब 3,35,000 के आसपास उससे छीन लिया गया और उनने बैग नहीं छोड़ा, तो उसके ऊपर गोली चला दी और उसके कंधे के ऊपर लगी। आपको कैसे पता चला कि गोली के चलाई उसके ऊपर? यहाँ पे थाने पे आने के बाद और हुआ उसका मेडिकल होने के बाद लगा कि वो गोली चली है। किसे गोली लगी है? अभी शेखर चंदेल को। अभी कहाँ है आपका बंदा? वो कोई काम में उसको इलाज के लिए भेजा है, यहाँ पे रेफर कराया हमने। कौन सी बैंक में पैसे डालने जा रहा था वो? SBI बैंक में पैसे डेली डालने जाता है। वहीं अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू करने के साथ ही आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए हैं, जहां पुलिस अब दुकानदारों से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महू।